हेलो अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल यू ब्यूटीफुल पीपल, तो की हाल चाल है आप सभी का। भाई सब आज एक सीन गड़बड़ हो गया भाई। आज सुबह से ही मेरी तबीयत जरा भी मुझे ठीक नहीं लग रही है, मतलब बुखार लग रहा है और जुकाम भी लग रहा है, और भाई पूरी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ना कि क्या ही बताया। ऐसा लग रहा है कि कितना मैं आउटडोर कोई काम करके आया हूँ, मतलब बॉडी इतना पेन कर रहा है भाई। तभी जस्ट मैंने डोलो 650 आई थिंक खाया है, और देखते भाई अगर शाम तक नहीं ठीक रहेगा तो डॉक्टर के पास अपने को जाना पड़ेगा भाई। और ब्लॉग करने का जरा भी मन नहीं हो रहा था, अभी शाम के 3 या 4 बज रहे हैं, मैं सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं भाई। और मुंबई का मौसम ऐसा हो गया ना 3-4 दिन से, बहुत मतलब मौसम चेंज हो गया है, आई थिंक उसके वजह से शायद बुखार उखार चढ़ रहा होगा, क्योंकि मौसम एकदम ठंडा हो गया अचानक से, मतलब टेम्परेचर वगैरह डाउन हो गया है, तो हो सकता है इसके वजह से ऐसा हुआ है। मतलब बुखार भी लग रहा है, जुकाम भी लग रहा है, बॉडी भी पेन हो रहा है, सब चीज़ एक साथ हो रहा है भाई। आज भाई तीसरा या चौथा दिन है मुंबई में बहुत ख़तरनाक वाली बारिश हो रही है। अभी देखो ये टाइम बारिश रुका हुआ है भाई, वरना बहुत तगड़ी वाली रात को भी हो रही थी, सुबह भी हो रही थी। और भाई मैंने ऐसा सुना है कि गांव में भी बहुत ख़तरनाक वाली मतलब बारिश हो रही है, वहाँ भी 2-3 दिन से शायद, तो यहाँ भी हो रही है, गाँव में हो रही है, हर जगह मतलब ख़तरनाक वाली बारिश ही हो रही है भाई। और हाँ, इसी बैड न्यूज़ में गुड न्यूज़ भी है। हमारी जो अलकज़ार थी भाई, जब से मतलब आया था मैं ना, 1 महीना पहले शायद ख़राब हो गई थी, फैसल कहीं लेके गया था, आई थिंक सर्विस सेंटर में गई थी, 1 महीने बाद हमारी अलकज़ार लौट के घर पे आई है। तो आज मतलब फैसल का ब्लॉग देखा तो मुझे पता चला, सारे सब्सक्राइबर लोग कमेंट कर रहे थे भाई आपकी अलकज़ार लौट आई। यस भाई, अच्छी बात है भाई, कार के बिना ना घर अधूरा अधूरा लगता है। और एक और सरप्राइज़ आने वाला है जल्दी भाई। मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा तबीयत ना ख़राब हो, क्योंकि आपको पता ही है 2-3 दिन के अंदर हम लोग जाने वाले हैं फिल्म सिटी, वहाँ पे भाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसके जितने भी स्टार कास्ट लोग हैं ना, उन लोग से अपना मतलब मिलने का प्लान है, उन लोग को व्लॉग में लेने, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे भाई उन लोग को व्लॉग में ज़रूर लेना, तो हमारी बात मतलब चल रही है। अरमान भाई मतलब कुछ सेटलमेंट बिठा रहे हैं, 2-3 दिन के अंदर जैसे ही सब कुछ डील फाइनल हो जाएगा हम जाएंगे फिल्म सिटी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जितने भी स्टार कास्ट है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सबको व्लॉग में लेने का। तो आप लोग भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सबसे फेवरेट कैरेक्टर आपका कौन सा है, किसको व्लॉग में देखना आप लोग पसंद करोगे, कमेंट में ज़रूर बताना भाई। चलो हम कोशिश करेंगे कि उसको व्लॉग में ज़्यादा लें, कमेंट बताओ भाई, चलो फटाफट सब लोग कमेंट बताओ। एक्चुअली भाई 3-4 दिन के बारिश की वजह से ना आउटडोर शूट वगैरह हो ही नहीं रहा होगा, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि बारिश इतना ज़्यादा हो रहा है, तो इसके वजह से थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ है। बस 2-3 दिन के अंदर हम जाएंगे भाई फिल्म सिटी। यस, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई, क्योंकि एक बार गया था मैं गोकुल धाम सोसाइटी, वहाँ पर ब्लॉग बनाया था, एक बार शूटिंग दिखाया था, वहाँ पर मेरे सामने जेठालाल और उनकी जितनी भी टीम थी ना सब लोग बैठे थे, लेकिन मिल नहीं पाए थे भाई, क्योंकि मतलब शूटिंग वाले गेटअप में थे वो लोग ना, इसकी वजह से दिखाना अलाउ नहीं होता ब्लॉग में। तो इस बार भाई चांस अपना ज़्यादा रहेगा कि हम मिलेंगे और ब्लॉग में भी उन लोग को लेंगे, एक्साइटेड हूँ मैं बहुत ज़्यादा। सोच लो भाई मतलब फ़ैन का स्पीड जो है 1 पे है, 1 नंबर पे, फिर भी मतलब ठंडी लग रहा है भाई, इसलिए कम्बल ओढ़ के लेट रहा हूँ। और भाई मुंबई का टेम्परेचर भी आई थिंक नीचे आ गया, 25-24 ऐसे ही है, तो आई थिंक वो मेन रीज़न हो सकता है। फिलहाल भाई साहब ये देखो शाम के 6:30 बज गया है, और थोड़ा सा मैं सो गया था भाई, आराम कर रहा था, मतलब पहले से तो ठीक लग रहा है, बट जाके दवा ले आऊँगा भाई, अभी डॉक्टर के पास जाऊँ। अम्मा तबीयत खराब है मेरा, बुखार लग रहा है, सर्दी लग रहा है, बदन दर्द हो रहा है, बारिश में हाँ। तब जाऊँ डॉक्टर के पास, देख बुखार है, हाय गरम। तो भाई अभी शाम की चाय पीने हम जा रहे हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे चाय पी के। और फिलहाल हमने चाय वाय पी लिया है, और ये देखो ये रहा हमारा अली। आज मैं अली को भाई ज्यादा खिला नहीं रहा हूँ, ना टच कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना भाई, तो कहीं जुखाम उखाम इसको भी ना हो जाए, इसलिए डर लग रहा है, इसलिए ज्यादा छू नहीं रहे, दूर दूर से प्यार कर रहे बस। आली आली, क्या नाम है तुम्हारा? या अली मेरा नाम है अली। तो फिलहाल भाई साहब हमने चाय वाय पी लिया, और अभी भी मुझे हल्का हल्का मतलब फीवर जैसा लग रहा है, और बॉडी भी पेन कर रहा है, और जुखाम भी लग रहा है, 3 चीज। तो चलते भाई नीचे, चलते हैं दवा लेके आते भाई, नहीं पता चले रात में ज्यादा हो जाए। भाई बहुत टाइम बाद ऐसा मतलब मेरा तबीयत खराब हुआ है भाई, मतलब बहुत टाइम, मतलब बहुत टाइम,
और ये शायद मौसम चेंज हो रहा है इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो होता नहीं। अभी भी ठंडी लग रहा है, देखो इसका फैन चल रहा है, लिफ्ट का। तो यहाँ पे देखो भाई, फटाफट पहुँच के हमने दवा ले लिया, तीन चार खुराक ले लिया है। इतने में ठीक हो जाएगा फैजान? हाँ ठीक हो जाएगा। पक्का? एक्चुअली भाई मुझे ना दवा खाना पसंद नहीं है, मजबूरी में खा रहा हूँ भाई कि ज़्यादा ना हो। और भाई अब जब नीचे उतरा ही था तो दूध और बटर भी ले लिया मॉर्निंग के लिए, अब कौन उतर के आएगा नीचे भाई। चलो ये भी ले लिया। और यहाँ पे देखो मैं घर पे पहुंचा और यहाँ पे घर पे कुछ सब्सक्राइबर लोग आए मिलने के लिए। हाय, चलो अपना अपना नाम बता दो। प्रतीक, नवाज। कैसा लगा मिलके? बहुत अच्छा लगा। हाँ, और कुछ बोलना है? अभी था लाइट आने वाली है और अली अली का फेस रिवील होने वाला है। हाँ, बहुत सारा चीज अभी आने वाला है। ठीक, चलो ठीक है, चलो बाय बाय। तो भाई साहब खाना वाना खा लिया है और अब बारी है दवा खाने की। और सही में मैं मतलब मैं शाम के टाइम ठीक फील कर रहा था, लेकिन इतने टाइम ऐसा लग रहा कि फीवर फिर से चढ़ रहा है और क्या बोलते हैं मतलब बॉडी और तेज पेन कर रहा, और ठंडी भी लग रहा है, खतरनाक होना। ठंडी भी लग रही है? हाँ लग रही है, ठंडी भी लग रही है। चलो खा लो। कहीं रात को हॉस्पिटल ना जाना पड़े यार। चुप करो यार, बकवास कर रहे हो। दर्द हो रहा, बुखार में हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तेज दर्द हो रहा है। हाँ तो अभी खाओगे तो सही हो जाएगा, दोपहर में भी तुमने खाए थे ना तब तुमको थोड़ा सा रिलैक्स था। तो इतनी जल्दी कमज़ोर नहीं पड़ते, औरत से कमज़ोर नहीं होता है आदमी, समझे? दवा मजा नहीं आता खाने। हाँ तुम्हारे एकदम जरूरी है ना। हाँ, जरूरी है ना अभी फिलहाल, तुम्हारे लिए भी जरूरी तो के है। हाँ, तो हाँ। इतनी स्पीच देते हो मुझे दवा खाने के लिए, इतनी स्पीच, इतनी स्पीच। ए देखो देख के एकदम अजीब सा लगता है। भी को भी वातू भी पूरी खाए एक 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 उल्टी ना हो जाए यार। जाओ कुछ खा लो मीठा जाके। यहाँ देखो गाइज, अभी दवा खाने के बाद में अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा है और यहाँ पे फैजान थोड़ा सा पैर दबा रहा है क्योंकि बॉडी में पेन ज्यादा हो रहा है। आराम करो तुम अभी, देखो दवा से रिलैक्स होगा। अरे अभी थोड़ा सा रुको, अभी थोड़ा टाइम बाद ही होगा। सो गाइज आज के ब्लॉग में बस इतना ही, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप करते हैं गाइज कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। और आज ब्लॉग मैं एंड कर रही हूँ क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब है इसलिए। सो बाय बाय गाइज, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।